हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर में अपने फ़ोन को यूज़ करके ही कैसे ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। बहुत लोग अकेले रहते हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता, तो वो अपना ब्लड प्रेशर नहीं नाप पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और प्रॉपर डायग्नोसिस ठीक नहीं हो पाती है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ब्लड प्रेशर नाम के ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या करता है। इसमें आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर किस टाइप का है, फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसमें नॉर्मल बीपी रेंज क्या होती है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, ब्रेक ब्लड प्रेशर मिसबिलीव क्या है, आप लोग को ब्लड प्रेशर के क्या जो मिसबिलीव है उसको जानिए, फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए जब हाइपरटेंशन हो और जब हाइपोटेंशन हो, लोअर ब्लड प्रेशर कैसे एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, और जब आपको अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सबसे पहले 3 मेडिसिन कौन सी ऐसी हैं जो आपको लेने से आपका ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आप ये मेडिसिन तभी लीजिए जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो उसमें मेंशन है। फर्स्ट एड में हाइपरटेंशन में क्या लें और हाइपोटेंशन में क्या लें, कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें फूड से, फिर 3 ड्रग्स है जो हाइपोटेंशन की दी हुई है और दोनों ही 3 ड्रग्स जो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में दी गई हैं उसको आपको विद इंस्ट्रक्शन पढ़ के तभी कुछ यूज़ करना है। अदरवाइज़ जो शुगर के पेशेंट होते हैं या और पेशेंट जिनको आई प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन या कुछ मेडिसिन से उनको रिएक्शन है तो उनको वो हार्मफुल भी हो सकती है। तो इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिए तब उन मेडिसिन को यूज़ करिएगा। अब हाइपरटेंशन होता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसमें दिया गया है, और हाइपोटेंशन होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम रहते हैं उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है, आँख से दिखता नहीं, क्या नहीं होता, हाइपोटेंशन में हेडेक होता है, उल्टी आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाउ डज़ बीपी चेंज विथ एज, और एज के साथ बीपी कैसे, ब्लड प्रेशर कैसे चेंज होता है, वुमेन में कैसे चेंज होता है और मेन में कैसे चेंज होता है, हाइपरटेंशन कोविड के समय लोगों ने कैसे कंट्रोल किया था, लोगों ने मेडिसिन स्टोर की थी ऑनलाइन, लोगों से एडवाइस डॉक्टरों से ली थी, तो कोविड के समय कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और हाइपरटेंशन का ट्रिगर्स क्या होता है, कब हाइपरटेंशन होने से आपको हार्म हो सकता है और आपकी लाइफ रिस्क में जा सकती है उसके बारे में बताया है। आप अपना बीपी को घर ही में मेज़र कर सकते हैं इस ऐप को यूज़ करके, और रोज़ का डेटा आप कलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, जिनको हाइपोटेंशन है और एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज भी एडवाइस के थ्रू करें, नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जाए तो वो किडनी की प्रॉब्लम और तरह की प्रॉब्लम कॉज कर देगी। तो हमेशा इनके इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लीजिएगा तब यूज़ करिएगा। नो उसके बाद है नो द ट्रीट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आप कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं इसमें दिया गया है, व्हाट इज़ अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के समय में जो हाइपरटेंशन होता है तो उसको कैसे ट्रीट करें, देखिए इसमें हर मेनू में डिटेल सब दिया गया है, क्या अवॉइड करें, क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, सब कुछ दिया गया है। अब हाइपरटेंशन अगर है तो वो कहते हैं 9 फूड्स आप अवॉइड करिए, सॉल्ट मत लीजिए, सॉल्टी स्नैक्स मत लीजिए, पिकल्स मत लीजिए, प्रोसेस मीट मत लीजिए, कंडीनमेंट टेस्टी सॉल्टी सोडियम से अधिक बड़े से फूड को मत लीजिए, पोटेशियम रिच फूड लीजिए, लाइकोराइज मत लीजिए,
ग्रेप फ्रूट मत लीजिए, शुगर ज़्यादा मत लीजिए। तो हाइपरटेंशन है तो ये 9 चीज़ें आप मत लीजिए, और अगर हाइपोटेंशन है आपको तो 5 चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। लो सॉल्ट फूड मत लीजिए, लार्ज मील मत लीजिए, छोटी छोटी 6-7 मील ले लीजिए 3 मील की जगह पे। अल्कोहल मत लीजिए, रेड ऑनियन मत खाइए और कैरेट मत खाइए। रेड ऑनियन और कैरेट खाने से भी आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, क्योंकि वो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इस तरह से आप अवॉइड करिए, फूड से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, कंट्रोल हाइपोटेंशन बाय डाइट, जो अभी आपको हमने बताया है। डाइट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फूड। अब क्या क्या लेना चाहिए हाइपोटेंशन में, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ड्रिंक कैफीनेटेड ड्रिंक, आप कॉफ़ी पी लीजिए तो उससे तुरंत आराम मिल जाता है। इंक्रीज इन टेक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा लीजिए अपने फूड में। ईट फूड हाई इन विटामिन B12 एंड फोलेट, B12 और फोलेट से हाई विटामिन को आप लीजिए, जैसे ब्रोकली है, लेग्यूम्स है, ग्रीन वेजिटेबल है, एग्स है, बीट्स है, सिट्रस फूड है, नट्स है, सीड्स है, वीट जर्म्स है, ये सारी चीज़ें। अवॉइड स्किपिंग मील, और कोशिश करिए कि आप अपने मील को समय से लीजिए और उसको छोड़िए मत। अगर आप मील छोड़िएगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। गेट टेस्ट टू डायग्नोज हाइपरटेंशन। अब अगर हाइपरटेंशन है तो कैसे डायग्नोज करिएगा, हाइपरटेंशन है तो टेस्ट फॉर पेशेंट विद अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराइए, रीनल फंक्शन को टेस्ट कराइए, थायराइड फंक्शन को टेस्ट कराइए, आई एग्जामिनेशन करिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करिए, इकोकार्डियोग्राम करिए, अल्ट्रासाउंड करिए, डॉपलर टेस्ट करिए, सीटी स्कैन और MRI करिए। तो इस तरह से इसमें देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ है, नो ड्रग्स बैड फॉर हाइपरटेंशन, जो ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के लिए सही नहीं है, नॉन स्टेरॉयडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसमें बहुत से लोग बिना पूछे ड्रग ले लेते हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, कफ एंड कोल्ड मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट का जो लेते हैं, माइग्रेन हेडेक की दवा लेते हैं, ये सब आप लोग बिना समझे बूझे मत लीजिए। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, वेट लॉस ड्रग, हर्बल रेमेडीज एंड डाइट्री सप्लीमेंट, बहुत कुछ इसमें दिया, कैफीन, बायोलॉजिकल थेरेपी मेडिसिन, इम्यूनो सुपरासेंट स्टिमुलेंट, इलीगल ड्रग्स, टिप्स फॉर अवॉइडिंग मेडिकेशन प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने बारे में जान सकते हैं। लर्न ब्लड प्रेशर डेली पैटर्न, अब इसमें डेली आप अपने ब्लड प्रेशर को रीड करके, ट्रैक करके और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या पैटर्न आपका चल रहा है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग छोड़ दीजिए, कैफीन छोड़ दीजिए, हॉट बेदिंग मत करिए, ये सारी चीज़ें बता रहा है। जब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को, एक्सरसाइज, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस, फूड इनटेक, ओबेसिटी, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, कैफीन एंड हॉट बेथिंग। अब आपका सबसे बड़ा चीज है फंडा कि आप ट्रैक कैसे करिएगा, तो इसमें देखिए ट्रैक दिया हुआ है। जब आप ट्रैक दिया हुआ है तो ऐड करिएगा जब आप, तो ये देखिए आपका दिखाएगा। इस समय सिस्टोलिक मेरा 100 है और डायसिस्टोलिक 75 है और पल्स रेट 70 है। तो देखिए इसने आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, इसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर देखिए सेव होता जाएगा, और हर दिन का देखिए दिखा रहा है कि क्या किया आपने, है ना। तो ये आपका यहाँ इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप अपने डेटा को कैसे सेव करिए। So this is all today viewer, this is very good app through which you can get your blood pressure by pressing this tracker and save your information day by day. Thank you, this is all. Please
वॉच होल वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर। और इस तरह का वीडियो अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल दबाइए, मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। थैंक यू।